अक्सर आपने YouTube पर वीडियो देखा होगा जिसमें नवजात शिशु या छोटे बच्चे जीभ और कान को कैसे साफ करना है इसके बारे में बताया गया होगा। आज मैं पीडियाट्रिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि बच्चे कान और जीभ को कैसे ठीक तरीके से साफ करना है। अगर आप गलत तरीके से साफ करोगे तो नवजात शिशु को इमीडिएट या फ्यूचर में खतरा हो सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर पेरेंट्स इसे घर पर बड़ी आसानी तरीके से कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका पीडियाट्रिशियन डॉक्टर विजय कुमार यादव और आपका स्वागत है मेरे चैनल चाइल्ड ए टू जेड इंडिया पर पेरेंटिंग स्टार्ट हियर विद पीडियाट्रिशियन। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं नवजात शिशु के कान को कैसे साफ करना है। सबसे पहले बात करते हैं नवजात शिशु के कान के पीछे के एरिया को कैसे साफ करना है। कई बार बच्चे को मालिश करने के बाद एक्स्ट्रा ऑयल की वजह से कान के पीछे मैल जम जाती है। इसको क्लीन करने के लिए आप वाइप से जेंटिल तरीके से कान के पीछे के एरिया को क्लीन कर सकते हैं या बेबी को नहलाते समय कान के पीछे के एरिया को पानी से साफ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कान के अंदर और ऊपर के एरिया को कैसे क्लीन करना है। नवजात शिशु के कान में कभी भी ईयरबड या ईयर ड्रॉप्स नहीं डालने हैं। कान के अंदर जो गंदगी होती है वो कुछ समय बाद अपने आप बाहर आ जाती है। जब गंदगी ऊपर आ जाए तो कान के ऊपर के एरिया को साफ करने के साथ साथ गंदगी को वाइप से क्लीन कर लेना है। कभी भी कान के अंदर की गंदगी को साफ करने के लिए ईयरबड या ईयर ड्रॉप्स नहीं डालने हैं। दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं नवजात शिशु की टंग यानी उसकी जीभ को कैसे क्लीन करना है। नवजात शिशु के टंग को साफ करने के लिए सबसे पहले अपना हैंड वॉश कर लें, फिर स्टराइल गौज पीस को अपने फिंगर पर रैप कर लें, फिर हल्के हाथ से फिंगर को बच्चे के मुंह में ले जाएं, बेबी के टंग को फिंगर से साफ कर लें, साथ में जेंटल तरीके से बच्चे के मसूरों को भी क्लीन कर लें। अगर आप गौज पीस से टंग क्लीन करने में कम्फर्टेबल नहीं है तो गोज पीस की जगह पर सिलिकॉन बेबी टूथब्रश से बेबी के टंग को क्लीन कर सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपके लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड किया होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल चाइल्ड ए टू जेड इंडिया को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक यू।